द बिग बिलियन डेज, द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और मेगा ब्लॉकबस्टर सेल। फेस्टिवल सीजन का मतलब है सभी कंपनीज अपनी सेल्स और डिस्काउंट्स के साथ रेडी हो जाते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और इसके सबसे बड़े प्लेयर्स हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो और मिंत्रा जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से इंडियन बायर्स की बाइंग पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इससे शॉपिंग करना बहुत ज्यादा इजी हो गया है और लोग कभी भी और कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं। इसी वजह से खरीदारी साल भर चलने वाली चीज बन गई है। फेस्टिवल्स में इंडियंस दिल खोलकर और जेब ढीली कर शॉपिंग करते हैं, जिसका फायदा ये ब्रांड्स अच्छे से उठाना जानते हैं। तभी तो फेस्टिवल सीजन आते ही हमें स्पेशल ऑफर्स और हैवी डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, कपड़ों से लेकर गैजेट्स तक और शूज से लेकर ज्वेलरीज तक। मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स साइकोलॉजिकल ट्रिक प्ले करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्चे उन चीजों पर जिसकी हमें जरूरत है और जिन चीजों की नहीं। और ये सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी होता है, बिकॉज हर किसी के लिए ये बेस्ट टाइम होता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। एंड एज कस्टमर्स हम लोग भी सोचते हैं कि दिवाली सेल से शॉपिंग करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर रेट थोड़े सस्ते मिलेंगे या डिस्काउंट ज्यादा बड़े मिलेंगे, बिकॉज हमें लगता है कि इससे हमारा ही फायदा होगा। बट क्या कभी हमने सोचा है कि जो कंपनीज खुद ही लॉस में चल रही हैं, वो हमें 30%, 50%, 70% जैसे बड़े डिस्काउंट्स क्यों दे रही हैं? और उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है लौटाने के लिए? कहीं ये सेल्स और डिस्काउंट के नाम पर हमारी पॉकेट तो नहीं लूट रहे? और सबसे इम्पोर्टेंट, ये बिग फेस्टिव डिस्काउंट असल में बिग सेल्स है भी या नहीं? तो इसका सिंपल सा आंसर है, ये बिग फेस्टिव डिस्काउंट हमारे प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, आप इस वीडियो के एंड में डिसाइड करना। लेकिन इन कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, चलिए जानते हैं कैसे। एडवर्टाइजर्स हमें इमोशनली ट्रिक करते हैं, स्पेशली फेस्टिव सीजन और ओकेजन्स के दौरान। आपने नोटिस किया होगा कि टन्स ऑफ एड्स एंड मार्केटिंग कैंपेन्स पूरी कोशिश करते हैं आपके सेंटिमेंटल कोड को हिट करने की। फॉर एग्जाम्पल, राखी पर बहुत सारी एड्स आती हैं जिनका मेन फोकस होता है कि एक हाई एंड फोन गिफ्ट करके अपने सिस्टर को दिखाओ कि आप उससे कितना प्यार करते हो। और भी ऐसे ही इमोशनल ट्रिक्स को यूज करके कंपनीज अपने प्रोडक्ट को सेंटिमेंट्स के साथ अटैच कर देते हैं और अच्छा खासा बिजनेस करते हैं। हमारे कुछ बिलीव और सोसाइटल प्रेशर के चलते हमें लगता है कि अगर फेस्टिवल्स में खर्चा नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इन्हें ट्रिक्स में आकर हम शॉपिंग कर लेते हैं। सपोज आपने एक पेयर ऑफ शू देखा जो ट्रेंडी और एक्सपेंसिव है, जिस पर हैवी डिस्काउंट मिल रहा है, और जैसे ही आप उस एड पर टैप करते हो आपको पता लगता है कि इसमें आपके साइज तो अवेलेबल ही नहीं। अब यहाँ एक प्लेटफॉर्म्स की ट्रिक काम कर गई, उसने आपको अच्छा डिस्काउंट दिखाकर अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया, और अब वो आपको सिमिलर प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करेंगे जिस पर डिस्काउंट्स नहीं है। और अक्सर इस तरह के सेल्स में स्टॉक्स की कमी हो जाती है, और जिन प्रोडक्ट्स पर मैसिव डिस्काउंट्स होते हैं या तो वो हमारे साइज और कलर में अवेलेबल नहीं होते हैं या तो वो बहुत ज्यादा ही अच्छे होते हैं। सबसे फेमस एंड मोस्ट यूज्ड ट्रिक इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऑनलाइन रिटेलर सबसे ज्यादा आप पर इसी ट्रिक का यूज करते हैं। जब आप अपने ई कार्ट में प्रोडक्ट सेव करते हैं तो आपको मैसेज ड्रॉप होता है कि जल्दी से प्रोडक्ट बाय कर लीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट की कुछ ही आइटम्स बची हैं, और आप इन चीजों को लेकर सोचने लगते हैं कि जल्दी से खरीद लेना चाहिए, कहीं आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए और दोबारा इस रेट में मिले या ना मिले। कभी कभी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स पर थोड़ा सा डिस्काउंट देकर भी, जिन पर शायद ही कभी डिस्काउंट दिया जाता हो, हम उन्हें खरीदने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। स्लैश प्राइसेस एंड फ्लैश सेल्स की वजह से कई लोगों का ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बुरा रहा है। जैसे सुमित तिवारी, एक बेंगलुरु बेस्ड आईटी प्रोफेशनल, उन्होंने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के फेस्टिवल सेल में एक बहुत अच्छी डील देखी, जहां उन्हें 3 वॉचेस का सेट मिल रहा था जिसका ओरिजिनल प्राइस 5,000 रूपए शो कर रहा था, बट वो सिर्फ 600 रूपए में मिल रही थी। उन्हें ये डील काफी अच्छी लगी क्योंकि इमेज में प्रोडक्ट काफी अच्छा दिख रहा था, लेकिन जब उन्होंने प्रोडक्ट को रिसीव किया तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ऐसे इंसिडेंट हर फेस्टिव सेल्स में सुनने को मिलते हैं, और जब भी सेल्स होती है तो आपको ओरिजिनल प्राइस दिखाया जाता है और परसेंटेज ऑफ सेविंग्स भी, बट इन रियलिटी आपको पूरे साल प्रोडक्ट हाईली डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है, बट उस टाइम पर कस्टमर के पास कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं होता। इसलिए जब प्राइस शो होता है तो हमें लगता है कि काफी सस्ता तो मिल रहा है, खरीद लेते हैं, और इस तरह हम प्रोडक्ट के बढ़ाए गए प्राइस पर डिस्काउंट चल रहा है ये सोचकर उसके ओरिजिनल प्राइस में ही उसे खरीद लेते हैं। इसके बाद आता है सबका फेवरेट, फ्री शिपिंग। जब हमें पता लगता है कि फ्री डिलीवरी है तो हम ऑर्डर करने से पहले सोचते ही नहीं है, और अगर शिपिंग चार्जेस हो तो हम 10 बार उसके बारे में सोचते हैं। बट एक्चुअल में ये इन ई कॉमर्स कंपनीज की खास ट्रिक है, जहां पर वो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को बढ़ाकर बट शिपिंग चार्जेस फ्री करके अपना मार्जिन कमा ही लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा डील्स एंड कॉम्बोज ऊपर बाय टू गेट वन फ्री, जो हमें फ्री वाला ही दिखता है और हम सोचते हैं खरीद लेते हैं, एक तो फ्री में मिल ही रहा है, या फिर 5,999 रूपए की शॉपिंग करो और 500 रूपए ऑफ या गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे जो आप नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करते टाइम यूज कर सकते हो। और इन दोनों ट्रिक्स में हमें लगता है कि हमारे फायदा हो रहा है, बट एक्चुअल में रिटेलर्स ने हमसे पूरे पैसे में शॉपिंग भी करा ली और नेक्स्ट टाइम हम वहीं से शॉपिंग करेंगे ये भी पक्का कर लिया। और ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही केसेस में होता है। और फिर आता है नो कॉस्ट ईएमआईज।
अगर कोई आर्टिफिशियल तरीका है परचेजिंग पावर को बढ़ाने का तो वो है ईएमआई डील्स। कई बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स मैसिव फेस्टिव कैंपेन्स रन करते हैं जिनका मेन फोकस होता है कि आप शॉपिंग करो बिना बजट की चिंता किए, क्योंकि हम आपको नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन आपकी खरीदारी को मंथली इंस्टॉलमेंट से बदल देता है और जो बैंक के थ्रू आपको इंटरेस्ट लगाया जाता है वो आपको डिस्काउंट के फॉर्म में वापस कर दिया जाता है। बट बी केयरफुल, ईएमआई को कई तरीके से स्ट्रक्चर किया जा सकता है, तो सब कुछ देखकर और समझकर ही करना चाहिए। सो गाइस, ये थे कुछ सेल्स एंड डिस्काउंट के मार्केटिंग ट्रिक्स जो ये कंपनीज अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज करती है। बट एज अ कस्टमर ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको कहां से कैसे और किससे शॉपिंग करनी है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से लोकल मार्केट से। सो इस फेस्टिव सीजन आपको ढेर सारे ऑफर मिलने वाले हैं इन द वे ऑफ सेल्स एंड डिस्काउंट, बट बी श्योर कि आप अपनी शॉपिंग लिस्ट के साथ और एक सही जजमेंट के साथ रेडी रहो शॉपिंग करने के लिए जो ओवर बजट भी ना हो और आपको ऐसी चीजें खरीदने से भी बचा सके जिनकी आपको जरूरत नहीं है। सो गाइस, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ इस फेस्टिव सीजन आप कहां से शॉपिंग करने वाले हो, और वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक कर दो, ज्यादा से लोगों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो ऑनलाइन गेमिंग्स बंद हो गई हैं नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देख लो। हम मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वर्किंग हार्ड।